पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर शिवराज सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने कहा, शिवराज सरकार आदिवासियों का हितेशी होने का ढोंग करती है। इनके ही राज्य में आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश 13 बार आगे रहा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को आदिवासियों के मुद्दे पर जमकर घेरा। कमलनाथ ने कहा कि ये बड़े ही शर्म की बात है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। 18 साल की भाजपा सरकार में 13 बार देश में आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामलों में मध्य प्रदेश का नाम आया है। 2019 से लेकर 2021 तक इन्होंने आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। भाजपा सरकार आदिवासियों के हितेशी बनने का नाटक करती है। आदिवासी अब इन भाजपाइयों की हरकतें समझ गए हैं। कमलनाथ ने कहा, भाजपा सरकार के रहते हुए स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, खंभे में तार नहीं है और तारों में बिजली नहीं है। ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में स्कूलों में विकास हो रहा है और यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था सुधर रही है, बाकी हालात तो जग जाहिर है। लीपापोती करना भाजपा का काम है, इनकी चालाकियों को जनता बखूबी समझती है। कि बिल्डिंग लीक होती है, अस्पताल लीक होते हैं, ये तो हालात है मध्य प्रदेश की। और ये कहते हैं कि हमारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में स्कूल में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, खंबे में तार नहीं और तार में बिजली नहीं। 5 साल पहले और 10 साल पहले के मतदाताओं ने, आज के मतदाता बहुत समझदार हैं। वो मध्य प्रदेश के हित, अपना हित और अपने परिवार के हित की रक्षा करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।